हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। आज की फिल्म ऊना। ऊना एक ऐसी लड़की की कहानी है जो 15 साल बाद मिलने जाती है एक शख्स से जिसने उसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया था जब वो 13 साल की थी। ये पूरी फिल्म उसी घटना के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत अमेरिका से होती है। वहाँ हम एक 13 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम ऊना है। वहाँ से फिल्म 15 साल आगे आ जाती है। हम ऊना को एक क्लब में देखते हैं। वहाँ वो एक अनजान शख्स के साथ इंटीमेट होती है और सुबह घर आ जाती है। वो अपने माँ के साथ ही रहती हैं। सुबह वो अपनी कार लेकर निकल जाती हैं। उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। वो एक कोर्ट में बैठी है जब वो 13 साल की थी और वो किसी रे नाम के शख्स का जिक्र कर रही है। हम देखते हैं वो गाड़ी एक फैक्ट्री के बाहर रोकती है। वो भीतर जाने लगती है। उसके चेहरे पर एक गुस्सा है और साथ ही साथ एक डर भी है। वहाँ वो एक स्कॉट नाम के शख्स से मिलती है। वो बताती है, मुझे रे से मिलना है। स्कॉट कहता है, यहाँ इस नाम का कोई नहीं है। ऊना उसे उसकी अखबार में लगी तस्वीर दिखाती है। वो बताता है कि ये तो पीटर है, मेरे बॉस। ऊना को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो उसे रे के नाम से ही जानती है। वहाँ पीटर ऊना को देख के काफ़ी चौंक जाता है, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। रे एक 55 साल का शख्स है, ऊना से लगभग 2 गुनी उम्र से भी ज़्यादा। वो उसे अपने कैबिन में ले जाता है। वो पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। वो पेपर में छपी हुई उसकी तस्वीर दिखाती है जिसमें उसके साथ फैक्ट्री के कर्मचारी भी थे। रे कहता है, तुम यहाँ तक पहुँची कैसे। ऊना बताती है, वो ड्राइव करके आई है और वो आज भी वहीं रहा करती है जहाँ वो पहले रहा करती थी। उसके पूछने पर वो बताती है कि वो सिर्फ उसे देखने आई है। रे वहाँ से बाहर जाने लगता है। ऊना उसे रुकने के लिए कहती है। रे भी नहीं चाहता था कि उसके यहाँ होने का किसी को पता चले। ऊना उससे पूछती है, तुमने और कितनी 13 साल की लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। इस पर रे कुछ नहीं कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रे एक सेक्स ऑफेंडर है और ऊना का पास्ट कहीं ना कहीं रे से जुड़ा है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने उसके साथ ज़िंदगी बिताने का वादा किया था। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं एक 13 साल की लड़की को। ये ऊना है, उसके साथ एक शख्स है। वो और कोई नहीं, रे है, जो उसके पड़ोस में ही रहता है और ऊना के पिता का काफ़ी भरोसेमंद दोस्त भी है। रे कभी कभी उसके पिता से मिलने उसके घर आता था और वो ऊना से काफ़ी बातें करता था। ऊना उसकी बातों को पसंद करती थी। ऊना उम्र के उस पड़ाव पर थी, उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। रे बस उसका फ़ायदा उठाना चाहता था, पर वो रे को पसंद करने लगी थी। रे हर जगह उसका पीछा करने लगा था, स्विमिंग क्लास हो या पार्क, हर जगह। रे ऊना के घर एक टेलीफोन रिंग देता है। ऊना समझ जाती थी कि रे की गर्लफ्रेंड घर पर नहीं है, वो उससे मिलने निकल जाती थी। अगर रे की कार घर के राइट की तरफ पार्क है तो उसे गार्डन में मिलना। एक दिन वो ऊना को शहर से दूर एक होटल ले जाता है और वहाँ उससे संबंध बनाता है। वो ऊना को लेकर दूसरे शहर जाने वाला था और वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वो बाहर सिगरेट लेने जा रहा है। ऊना उसका इंतज़ार करती है पर वो नहीं आता। उसके परिवार ने भी उसकी खोज शुरू कर दी थी, पर उसे उम्मीद थी कि रे ज़रूर वापस आएगा। पर शाम तक रे जब नहीं आता तो वो उसे ढूंढने होटल से बाहर निकल जाती है। वहाँ से वो एक क्लब में चली जाती है। वहाँ वो रे के बारे में पूछती है, पर वहाँ कोई रे नाम के शख्स को नहीं जानता था। अब ऊना अकेली सड़कों पर भटक रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर वापस जा सके। रात काफ़ी हो गई थी पर अब भी वो सड़कों पर भटक रही थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था रे उसे इस तरह से छोड़कर चला जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। हम देखते हैं रे सिगरेट लेने स्टोर गया था और वो वहाँ से एक बार में चले जाता है जहाँ वो खुद शराब पीता है, क्योंकि वो एक नाबालिग लड़की को लेकर भाग रहा था। उसे उतनी हिम्मत जुटानी थी, पर जब शाम रे होटल आता है, ऊना वहाँ से चली जा चुकी थी। ऊना उसे ही ढूंढने बाहर गई थी। वो फिर से उसी क्लब में जाता है और विस्की ऑर्डर करता है। वो शख्स कहता है, क्या तुम्हारी कोई बेटी है, वो कुछ देर पहले तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए आई थी। वहाँ कुछ लोगों को रेप पर शक होता है, अगर इसकी बेटी लापता है तो ये यहाँ क्या कर रहा है। वहाँ कुछ लोग उसका पीछा करते हैं पर रे वहाँ से निकल के भाग जाता है। रे जाकर टेलीफोन बूथ से पुलिस को कॉल करके ऊना की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करता है। और हम देखते हैं क्लब के उस शख्स ने रे के बारे में पुलिस को खबर दे दी थी। पुलिस रे को भी पकड़ लेती है और कोर्ट रे को 4 साल की सज़ा सुनाती है। कोर्ट में ऊना भी थी पर उसे रे से छिपा कर रखा गया था। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, तुम कहाँ चले गए रे, मुझे अकेला छोड़कर।
उसे इस तरह से अकेला छोड़कर जाने से ऊना के मन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा था। वहाँ से फिल्म प्रेजेंट में आ जाती है। ऊना रे के ऑफिस में है। रे को लग रहा है वो इतने सालों बाद उससे बदला लेने आई है, शायद वो उसका करियर न बर्बाद कर दे। पर ऊना बस उससे एक सवाल कर रही थी कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसे इतने सपने क्यों दिखाए, उसके बचपन की मासूमियत क्यों छीन ली। उसके पिता उस पर इतना भरोसा करते थे, उसके ऐसा करने से उसके पिता काफ़ी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। एक दिन उनका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और उनकी मौत हो गई। रे कहता है, मैंने जो किया उसकी सज़ा मैं काट चुका हूँ। ऊना के वहाँ होने से रे काफ़ी शर्मिंदा था। उसे डर था कि उसका पास्ट लाइफ का पता किसी फैक्ट्री मेंबर को ना चल जाए। ऊना उसका मजाक उड़ाती है कि कैसे वो इतने जल्दी अपने पास्ट को भूल गया और उसने अपना नाम तक बदल लिया। वहाँ स्कॉट आ जाता है। वो कहता है, क्या सब ठीक है, क्योंकि ऊना के वहाँ आने से रे काफ़ी घबरा गया था। ऊना उसे कहती है सब ठीक है और स्कॉट वहाँ से चला जाता है। रे अपने जेल की कहानी बताता है, कैसे 4 सालों तक उसकी ज़िंदगी नरक हो गई थी। जेल में उसके साथी कैदी कैसे उसके साथ बदसलूकी करते थे, उसको मारते थे, उस पर थूकते थे, क्योंकि रे एक सेक्स ऑफेंडर था। ऊना को अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। रे अपनी सफाई में कहता है कि तुमने भी कभी मुझे पास आने से नहीं रोका, पर ऊना उसकी बातों पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इतने सालों का वक्त उसने कैसे काटा था सिर्फ उसे ही पता है। वहाँ एक महिला आती है। वो रे से कहती है उसे मार्क ने मीटिंग रूम में बुलाया है। रे वहाँ से मीटिंग अटेंड करने चला जाता है। उस वक्त कंपनी काफ़ी मंदी से गुजर रहा था, तो कंपनी लोगों के सैलरी में कटौती कर रही थी और कुछ लोगों को काम से भी निकालने वाली थी। उस दिन वहाँ सारे कर्मचारी इकट्ठा थे। रे को ये जिम्मेदारी दी गई थी। रे ने कटबैक्स और लेऑफ्स की एक लिस्ट तैयार की थी। यहाँ हम देखते हैं ऊना लॉकर रूम में रे का इंतज़ार कर रही है। वहाँ स्कॉट आता है। वो ऊना को चाय के लिए पूछता है पर वो मना कर देती है, पर स्कॉट के दोबारा पूछने पर वो ले लेती है। स्कॉट वहाँ से मीटिंग में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं रे स्टेज पर है और लिस्ट में सबके नाम अनाउंस करने वाला है, पर वो काफ़ी नर्वस है क्योंकि उसे ऊना का ही ख्याल आ रहा था। वो बताता है उस लिस्ट में 6 लोगों के नाम हैं जिनको काम से निकाला जा रहा है। वो एक एक नाम अनाउंस करता है। सब कर्मचारी उस पर गुस्सा हो जाते हैं। रे वहाँ बाहर खड़ी ऊना को देखता है और वहाँ से निकल जाता है। मार्क उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि सिर्फ रे ने 2 ही नाम अनाउंस किए थे। मार्क स्कॉट के पास आता है। वो पूछता है पीटर को आखिर हुआ क्या है, पर स्कॉट वहाँ से बिना कुछ कहे जाने लगता है, क्योंकि स्कॉट अपने बॉस पीटर यानी रे की काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। मार्क उसके पास आता है और बताता है उस लिस्ट में आखिरी नाम तुम्हारा था, तुम्हें अपना लॉकर खाली करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। स्कॉट को काफ़ी ताजुब होता है कि पीटर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। रे सबसे छुपते छुपाते ऊना के पास आता है। ऊना उससे सवाल करती है कि तुम्हारी शादी को कितना वक्त हुआ। रे बताता है 4 साल। इस पर ऊना कहती है क्या उसे पता है कि उसने किस शख्स से शादी की है, पर रे बताता है वो सब जानती है और वहाँ से जाने लगता है। पर ऊना उसके पीछे आने लगती है क्योंकि रे उसके सवालों के जवाब दिए बिना जा रहा था। यहाँ हम देखते हैं स्कॉट काफ़ी गुस्से में रे को ढूंढ रहा है। यहाँ रे बताता है वो पहले ही ज़िंदगी में कितना कुछ खो चुका है। ऊना बताती है मैंने जो खोया है उसे शायद ही कोई लौटा सकता है। रे स्कॉट को आता देख वहीं छिप जाता है। दोनों अपने पुराने दिनों को लेकर बात करने लगते हैं। रे ने ऊना के साथ 3 महीने तक रिलेशन बनाया था। फिर वहाँ से ऊना उठकर जाने लगती है। यहाँ मार्क भी रे को गुस्से में ढूंढ रहा है। हम देखते हैं ऊना फैक्ट्री के वॉशरूम में मायूस बैठी है। वहाँ रे आ जाता है। ऊना उसे वो दिन याद दिलाती है जब उसने उसके साथ संबंध बनाया था, पर रे ने उसके जज्बात और मासूमियत के साथ खिलवाड़ किया था। वो उससे पूछती है उसने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत हो गई थी, और ये बताकर वो रोने लगती है। उसके आंसुओं में उसका दर्द साफ झलक रहा था। रे बताता है कि वो होटल आया था, पर वो होटल से जा चुकी थी और उसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फैक्ट्री के सभी लोग चले गए थे। दोनों लॉकर रूम में आ जाते हैं। वहाँ दोनों की बातों में बहस हो जाती है और ऊना रे से हाथापाई करने लगती है। रे उसे शांत करवाता है। दोनों अपनी बातों को एक दूसरे को समझाने लगते हैं। रे उसे बताता कि वो उसके दर्द को समझ सकता है और वो उसे कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। ऊना रे की बातों से फिर सड्यूस होने लगती है।
वहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं, पर रे वहाँ मना करता है। ऊना काफ़ी दुखी हो जाती है इस बात से कि अब वो उसके लिए वो ऊना नहीं है जिसकी वो चाह रखता था। उसे रोता छोड़ रे जाने लगता है। स्कॉट उसके पीछे आ जाता है। वो अभी तक घर नहीं गया था। स्कॉट काफ़ी गुस्से में था। वो रे को धक्का देने लगता है, पर रे बताता है कि मार्क ने उससे झूठ बोला है। वो कर्मचारी की लिस्ट दिखाता है, उसमें स्कॉट का नाम नहीं था। अब जाके उसका गुस्सा शांत होता है। रे उसे फैक्ट्री की चाबी देता है और ऊना को यहाँ से निकाल के फैक्ट्री लॉक करने के लिए कहता है। स्कॉट जब भीतर आता है तो वो उससे रे के बारे में पूछती है। वो बताता है कि रे जा चुका है। दोनों बाहर आते हैं। ऊना उसे ड्रिंक ऑफर करती है। स्कॉट उसके साथ चला जाता है। वो कहती है कि स्कॉट उसे अपने घर ले चले ड्रिंक के लिए। स्कॉट उसे अपने घर लेकर आ जाता है। यहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर ऊना स्कॉट को सेड्यूस करती है। दोनों इंटीमेट होते हैं। ऊना रोने लगती है। स्कॉट के पूछने पर वह बताती है वो रे की बेटी है और उसे फुसलाती है कि वो उसे रे के घर ले चले। स्कॉट बताता है आज रे के घर पार्टी है। ऊना कहती है मैं भूल गई। ऊना अपनी माँ को फ़ोन करके जानकारी देती है कि वो ठीक है, क्योंकि ऊना की माँ को उसकी काफ़ी चिंता थी। वहाँ वो स्कॉट की गर्लफ्रेंड की ड्रेस पहन लेती है। वो बताता है 2 हफ्ते पहले ही उसका ब्रेकअप हुआ था। यहाँ हम देखते हैं रे के घर पार्टी थी, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। स्कॉट ऊना को लेकर उसके घर पहुँच जाता है। वहाँ स्कॉट को पता चलता है ऊना ने उससे झूठ कहा था कि वो रे की बेटी है। वो रे की वाइफ से बताती है वो स्कॉट की गर्लफ्रेंड है। रे उसे वहाँ देख काफ़ी डर जाता है। रे स्कॉट को अपने पास बुलाता है और ऊना को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। स्कॉट उसे ले जाने आता है, पर ऊना जाने से मना करती है। वो भीतर चली जाती है। वो रे की बेटी के कमरे में जाती है। ये रे की वाइफ की बेटी थी, यानी कि उसकी स्टेप डॉटर। वो भी 12 साल की थी, जिस उम्र की ऊना थी जब रे ने उससे रिलेशन बनाया था। वहाँ रे आ जाता है। उसे देख वो वहाँ से निकल जाती है। ऊना को लग रहा था शायद रे ने इस लड़की के लिए ही इस महिला से शादी की है। ऊना भागकर सड़क पर आ जाती है। स्कॉट और रे की वाइफ अभी भी इस बात से अनजान थे। रे उसे समझाता है उसने उसके अलावा उस एज की किसी लड़की की चाह कभी नहीं रखी। वो ऊना के गालों पर चूमता है। ये सब दूर से उसकी वाइफ, स्टेप डॉटर और स्कॉट देख रहे थे। और वहाँ से ऊना उन्हीं सड़कों पर निकल जाती है और उन्हीं पुराने दिनों को याद करने लगती है। फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी टॉबी स्टूडबेकर के ज़िंदगी पर आधारित है। बात है साल 2003 की। टॉबी एक फॉर्मर US मरीन ऑफिसर था जिसने एक 12 साल की ब्रिटिश लड़की को बहलाकर भगा लिया था। दोनों की मुलाकात इंटरनेट पर हुई थी। उस लड़की ने इंटरनेट पर 17 साल की होने का दावा किया था, पर पुलिस ने टॉबी को गिरफ्तार कर लिया और एक नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण करने के जुर्म में उसे 15 साल की सज़ा सुनाई गई। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 15 साल की सज़ा काटने पर जब वो बाहर आया तो जांच करने पर पता चला टॉबी लड़कियों की ट्रैफिकिंग भी करता था और उनकी अश्लील वीडियो बनाता था। इस पर उसे 7 साल 11 महीने की सज़ा और सुनाई गई। दोस्तों, ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि टॉबी एक मरीन ऑफिसर था जिसे देश की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था और वहीं ऐसे घिनौने काम को अंजाम दे रहा था। दोस्तों, इस फिल्म में कुछ चीज़ें बहुत गलत थीं। जैसे रे एक पेडोफाइल था, पर फिल्म में उसे एक विक्टिम की तरह दिखाया गया है। उसके लिए लोगों के मन में सिंपथी भावना लाई गई। रे बस ऊना का शोषण करना चाहता था। उसे ऊना से कोई प्यार लगाव नहीं था। अब्यूज़र को एक विक्टिम की तरह पेश करना इस फिल्म में मुझे समझ नहीं आया। इस मूवी को एक्सप्लेन करने का मकसद लोगों तक एक सामाजिक संदेश को पहुँचाना था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।